हमीरपुर में कर्फ्यू के दौरान सब्जी की कालाबाजारी को रोकने के लिए और तय रेट से ज्यादा वसूलने की शिकायतों के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। इसी के चलते हमीरपुर पुलिस ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चेकिंग अभियान छेड़ते हुए दुकानों में जाकर रेट लिस्टों की चेकिंग की है और तय रेट से ज्यादा वसूलने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कसा हुआ है। SHO संजीव गौतम की अगुवाई में टीम ने औचक निरीक्षण करके दुकानों में सब्जी रेट का जायजा लिया और तय रेट न होने पर दुकानों को चेतावनी देकर छोड़ा है। SHO संजीव गौतम ने बताया कि कई दिनों से सब्जी विक्रेताओं के द्वारा कर्फ्यू टाइम में दी गई ढील के दौरान सब्जी तय रेटों से ज्यादा वसूलने की शिकायतें आ रही थी, जिस कारण सब्जी मंडी से रेट लिस्ट लेकर दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर दुकानदार ज्यादा रेट वसूलते दिखे हैं, जिन्हें चेतावनी देकर छोड़ा है और अगर बार बार भी दुकानदार नहीं मानते हैं तो कानूनन चालान वसूला जाएगा। बीच में कुछ शिकायतें आ रही थी कि सब्जी के रेट लोग ज्यादा ले रहे हैं मार्केट में और इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने सब्जी की जो रेट लिस्ट आई है, जो DC साहब ने नोटिफिकेशन कर रखी है 20% मार्जिन का, उसको इंश्योर करने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि जनता को हम लोग सुविधा प्रदान कर सकें, जनता के पैसे को बचा सकें और इस एपिडेमिक की स्थिति में उनको सुविधा प्रदान कर सकें। रूरल एरिया में भी हम इंश्योर करेंगे। आज दिन के समय जब भी हम गश्त में टीम्स को हिदायत दी गई है कि जब भी आप गश्त में जाएंगे तो रेट लिस्ट वगैरह आप चेक करेंगे, अगर कहीं ज़्यादा रेट वसूला जाता है तो DFSC इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम जो भी बिल कंसर्न दुकानदार के पास है उस पे 20% का मार्जिन जो है उसको रख के वही रेट इंश्योर कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा सब्जी की दुकानों पर औचक निरीक्षण करना अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि सब्जी महंगी मिल रही है, जिससे कर्फ्यू के दौरान लोगों की मुश्किलें बढ़ रही थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा रेट तय करने पर लोगों को अब फायदा मिल रहा है। लोगों का कहना है कि सब्जी दुकानदार ज़्यादा रेट वसूल रहे हैं, जिस पर पुलिस ने भी कार्रवाई करना शुरू कर दी है, इससे अब लोगों को सहूलियत मिलेगी। सर देखो, जैसे कि पहले तो जो सरकार ने हमारे लिए हमारे सब प्रदेशवासियों के लिए जो रेट किए थे वो सारे 20% से कम कर दिए थे, पर जो कि हमने देखा कि मार्केट में अभी भी रेट वैसे के वैसे ही इंक्रीज रेट चले हुए हैं, अभी भी रेट ज़्यादा रेट चले हुए हैं। पर अब देखा गया है कि SHO साहब मार्केट में दौरा करके हुए, उन्होंने हमारे यहाँ रेट बिल्कुल ठीक कर दिए हैं और मैं बहुत खुशी की बात है कि SHO साहब अपने यहाँ पे हमारी प्रदेश पुलिस प्रशासन वगैरह DC साहब सारे यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं और हमें खुशी है इस बात की। सब्जी मिलना तो बहुत मुश्किल है, अगर जहाँ मिल रही है वहाँ बहुत महंगी मिल रही है, आम आदमी से पहुँच से दूर है। सरकार ने बोला था कि कोई 20% तक कम कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी दिखाई नहीं दे रहा कि इनके दाम कम हुए हैं, मन मर्जी के दाम लगा रहे हैं, दाम बढ़े हैं उनको जरा कम किया जाए और कोई भी आम आदमी जो है वो आसानी से सब्जियों को ले सकता है। उधर उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने बताया कि हमीरपुर में सब्जी विक्रेताओं के ज्यादा रेट वसूलने की शिकायतें पहुंच रही हैं और दुकानदार 20% ज्यादा मुनाफा बनाकर सब्जी बेच रहे हैं, जिन पर कार्रवाई की गई है। ये होता है कि ओवर प्राइसिंग का हमें बड़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही थी। आज मैं सुबह भी देखा हमारे जो गोभी के रेट थे 10 रुपए से 20 रुपए होलसेल की प्राइस थी, अब आप उसमें 20% प्रॉफिट मार्जिन जोड़ लो तो 25 रुपए के आसपास बिकनी चाहिए, कई दुकानदारों ने 40 रुपए भी लगा रखी, तो हमने जब्त कराई है।